नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, मैं बनाने जा रही हूँ ये मटन, और इसको आज हम व्हाइट ग्रेवी में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा कटा लहसुन, थोड़ा सा प्याज, अदरक का पेस्ट, थोड़ी ग्रेटेड अदरक, और लिया है टमाटर, हरी मिर्च और कटी हुई प्याज। हम आज लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और फिर मैं डालूंगी थोड़े से काजू। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं प्याज फ्राई करने से। अब मैं प्याज और थोड़ा सा लहसुन डाल के फ्राई करूंगी, और इसमें भी मैं डालूंगी थोड़े से ये ग्रेटेड अदरक, और बस इसको फ्राई करके मिलते हैं। देखिए मेरी प्याज काफी भुन गई, तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा ये पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, और मैं डालूंगी इसके अंदर हरी मिर्च, क्योंकि हमें लाल नहीं बनाना अपनी ग्रेवी को। तो इसके अंदर अब मैं डालूंगी ये मेरे मटन के पीसेस, इसको मैं करूंगी फ्राई बहुत अच्छे से। ये देखिए, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि हमको इसको लाल मिर्च नहीं डालनी, तो मैं ये काली मिर्च का गरम मसाला डाल रही हूँ, जिससे इसका बढ़िया सा स्वाद आए। और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर दही, और दही के साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक। देखिए, अब इसको मैं भूनूंगी। अब देखिए, मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया भूनने के बाद कुकर के अंदर, और मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ये धनिया पत्ती इसके अंदर, और बस अब हम लगाएंगे इसमें सीटी। तो जब ये गल जाएगा, तब मैं डालूंगी मलाई और काजू का पेस्ट। तो देखिए, ये मटन गल चुका है, और अब मैं इसको डालूंगी कढ़ाई के अंदर फ्राई करने के लिए। बिल्कुल बढ़िया गला है ये मटन, आप देख सकते हैं पूरा पीस बहुत ही अच्छे से बिल्कुल। तो बस अब हमारे व्हाइट मटन के अंदर जाएगी ये मलाई, अब हम इसके अंदर डालेंगे मलाई, और मैं डालूंगी इसके अंदर ये काजू का पेस्ट। ये मैंने काजू दरदरे कर लिए थे, इसको हम डालेंगे, और अब हम इसको भूनेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि इसके अंदर सब सामान डल चुका है, और हमने रेड चिल्ली का बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये व्हाइट मटन बहुत ही टेस्टी बनता है, बाद में मैं गार्निश करूंगी इसको धनिया पत्ती के साथ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ा ग्रेवी को गाढ़ा होने के बाद। अब देखिए, ये मेरा व्हाइट मटन बनके हो गया तैयार, और मैं करूंगी इसकी प्लेटिंग। देखिए क्या बढ़िया व्हाइट ग्रेवी में बनके हुआ है तैयार, और बहुत ही स्वादिष्ट। अब ये देखिए, मेरा व्हाइट मीट हो गया तैयार, तो मैं इसको गार्निश कर रही हूँ धनिया पत्ती के साथ। आप इसको आज एंजॉय करिए, और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Do like and subscribe if you love such innovative recipes.